सब संतन जय गुरुदेव।
नर्मदापुर होशंगाबाद की पावन भूमि में चैत की नवरात्रि के अवसर पर श्री राम कथा के द्वारा राम कथा के सूत्रों के द्वारा तुलसीदास जी की अनुभूति को
समझते हुए हम और आप उस प्रदेश में, उस देश में, उस दुनिया में, उस भूमिका में जाने का प्रयास कर रहे हैं कि जहां पहुंच करके हम लोग भी अनुभूति करें अपने अपने व्यक्तिगत जीवन में कि भय प्रकट कृपाला। गुरुजनों के, संतों के, महापुरुषों के अंतर जगत में परमात्मा के सानिध्य का अनुभव होता है और जिन महापुरुषों को ईश्वरीय प्रकाश की प्राप्ति हुई है, अपने राम का सानिध्य प्राप्त हुआ है, जिनका राम प्रकट हो चुका है, उनके सानिध्य में आनंद आता है, उनके दर्शन से आनंद होता है, उनके आचरण से हमें बहुत सुख प्राप्त होता है, तो फिर जब हमारे अंतर जगत में राम प्रकट हो गए तो कितना आनंद आएगा। और दुनिया के हर संत, हर गुरु ये चाहते हैं कि जो मेरा भक्त हो, मेरा आश्रित हो या मेरा शिष्य हो, वो हमेशा मेरे प्रकाश से न चले। एक दिन ऐसा हो कि आश्रित अपने प्रकाश में चले। क्योंकि दूसरे की आंखों से हम देखते हैं, तो ठीक है, वो हमें गिरने नहीं देते, हमको टकराने नहीं देते, सुरक्षित रूप से हमको हाथ पकड़ कर ले जाते कि हम कहीं ना टकराए। लेकिन आनंद इसी में है कि हमारी अपनी आंखें खुले, हम अपने प्रकाश में देखें, हम अपने आत्म प्रकाश का लाभ प्राप्त करें। क्योंकि है इसलिए आपके घर में आपकी संपत्ति आपने अपने हाथों से रखी हुई है और अलमारी में वो चीज पड़ी है, चाबी खो गई आपसे, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई आपको जल्दी में मदद कर सकता है क्योंकि आपकी चाबी खो गई ना, आपकी अलमारी में पैसा तो है, चाबी खो गई आपकी और जल्दी में आपको कुछ लेना है, कुछ खरीदना है, चाबी मिल नहीं रही, तो पड़ोसी कहेंगे कोई बात नहीं अभी हम दे देते। इसका मतलब ये नहीं कि आप चाबी न ढूंढो और आपकी सब्जी, आपका दूध, आपका फल फूल, आपको जो खरीदना है वो हमेशा पड़ोसी ही खरीदते रहे और आप ये कहो कि ये तो मजा आ गया, चलो चाबी खो जाने का फायदा, चाबी खो जाने का फायदा है कि पड़ोसी खरीद के दे दे आपको क्योंकि चाबी नहीं। अब ऐसा करोगे ना तो पड़ोसी कहेंगे कि कल मुझे छुट्टी है, हम मदद तीन क्षण को सुधारने हैं, अपनी आंखें काम में। ऐसी मतलब कहानी है, दृष्टांत है
कि जब किसी व्यक्ति की आंखें कमजोर हो गईं, घर में उसको सब कहते थे कि चलो इलाज करा लेते, तो वो कहते थे तुम्हारी आंख हमारी है ना, हमें इलाज नहीं कराना। लेकिन जब आग लगी ना घर में, जब आग लगी तो हर कोई अपनी जान बचा करके भागा, क्योंकि उसको लेने जाए ऐसे में कहीं खुद ही जले, अब कौन जाएगी उनको बचाने। सब भागने लगे और तब उनकी समझ में आया कि जब आग लगती है ना तब अपनी आंखों से ही हम बच सकते हैं। अपनी आंखें खुले, अपने प्रकाश में आगे बढ़े और अपने आत्म प्रकाश का अनुभव करें, उसकी बात अलग है। ऊपर वाला नीचे नहीं आता ये भी सत्य है, लेकिन ऊपर वाला नीचे के जीवों में प्रकट होता है तो नीचे का जीव जीव न रह करके राम बन जाता है, ये भी सत्य है। हुआ ना, आना भी हुआ, नहीं आना भी हुआ, आते भी है भगवान, नहीं भी आते, दोनों सत्य। इसलिए नहीं आते कि उसको आने की कोई जरूरत नहीं है, और आते हैं तो परमात्मा का आने का ये तरीका है कि जब कोई मनुष्य अपनी आत्मीय यात्रा करता है, अपनी आत्मा को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, अंतर यात्रा करता है, अपनी सत्वृत्ति की शक्ति से दुर्वृत्ति को खत्म करता है, तो पहुंच जाता है अपने आत्म स्वरूप तक, अपने आत्मा के प्रकाश तक। दुर्वृत्ति राक्षसी है और सत्वृत्ति जगदम्बा है। वृत्ति नारी जाती है और इंसान वही करता है जैसी उसकी वृत्ति होती है। लोग कहते ना कि इसकी वृत्ति ठीक नहीं, इरादा ठीक नहीं है, नियत अच्छी नहीं है, ये क्या है? दुर्वृत्ति राक्षसी है। जब आपकी दुर्वृत्ति को बल प्राप्त होता है, दुर्वृत्ति बलवत्तर होती है, तो फिर आपके शरीर के द्वारा राक्षसी कृत्य होता है, और जब आपकी सत्वृत्ति बलवत्तर होती है, आपकी सद्बुद्धि जागृत होती है, आपकी सत्वृत्ति आगे है और दुर्वृत्ति उसके नीचे दबी हुई है और सत्वृत्ति हावी हो गई आपकी, तो वो जगदम्बा है। ये वही हाथ आपके, जब आपके भीतर राज्य दुर्वृत्ति का है तो हाथ मारने का काम करें, और भीतर शासन सद्वृत्ति का है तो हाथ उबारने का काम करें, बचाने का काम। जब दुर्वृत्ति का शासन भीतर है तो हाथ बटोरने का काम करेगा, और सद्वृत्ति का शासन है तो हाथ बांटने का काम करने लगता है। हाथ तो वही है, भीतर शासन कौन सा चल रहा है? दुर्वृत्ति कार्यरत है कि सद्वृत्ति कार्यरत है? सुमती कुमती सब के छुरे रहे, सुमती कुमती सब के छुरे रहे, नाथ पुराण निगम अस कहे, नाथ पुराण
सब रस कर सभी के अंदर होती है। सुमति कुमति सबके उड़ रहा है, सभी के अंदर है, स्वाभाविक है। क्योंकि जिनके हाथ मदद के लिए तैयार रहते हैं, क्या उसको चाटा मारना नहीं आता? आता तो है ना, मारते नहीं। जो गिरे हुए को उठाते हमेशा, उसको क्या धक्का मारना नहीं आता? वो भी तो हम लोगों की तरह किसी को भी धक्का मार दे, कोनी मार दे, वो भी कर सकती है, आता तो है ना। सबके उड़ रहा है, जो धोखा नहीं देते किसी को, गलती से भी हमारा उनके पास कुछ रह गया तो वापस करने आते हैं। लेकिन क्या उसको नहीं आता कि मुझे पता नहीं? आता तो है, करेंगे तो वो भी धक्का मार सकते हैं, वो भी गंदा बोल सकते हैं, वो भी गाली दे सकते हैं, वो भी अपमान कर सकते हैं, वो भी धोखा दे सकते हैं। इसका लेने के बाद वापस न करने का नाटक वो भी कर सकते, नहीं करते। और नहीं करते क्योंकि उनकी कुमति के ऊपर सुमति का शासन चल रहा है, और शासन जिनका है वही क्रिया होगी। जब कुमति ऊपर आ जाएगी और सुमति नीचे चली गई और कुमति का शासन हो गया, तो फिर वही हाथ, वही शरीर, वही कर सकते गलत का। दुर्वृत्ति राक्षसी है, और सद्वृत्ति जगदम्बा है। जो दैवी कार्य करावे वो वृत्ति देवी है, जो ईश्वरीय कार्य करावे वो वृत्ति ईश्वरी है। जो सब में है, सद्वृत्ति का शासन बने, इसके लिए यह अनुष्ठान, अथवा जिसके अंदर सद्वृत्ति का ही शासन है, ऐसे संत महात्मा इसलिए अनुष्ठान करते हैं कि उसी का शासन बना रहे, कहीं सत्ता परिवर्तन न हो जाए। अपने भीतर अंतर जगत में कहीं सत्ता परिवर्तन न हो जाए। सद्वृत्ति का शासन भीतर है और सद्वृत्ति का बना रहे, इसके लिए जो अनुष्ठान करते हैं वो सहज अनुष्ठान करते हैं। लेकिन जिसके अंदर दुर्वृत्ति का शासन है और परिवर्तन करके सद्वृत्ति का शासन लाना है, उनको थोड़ा सावधानी से करना पड़ेगा अनुष्ठान, क्योंकि उनको तो परिवर्तन लाना है।
मेले कपड़े धोते हैं तो आपको मेहनत होती है, जब मेले ही नहीं है और धोना है तो फिर वो ऐसे ही भिगो के आप सुखा देते हैं। दोनों प्रकार की स्थिति के लोग अनुष्ठान करते हैं, जिसमें दुर्वृत्ति का शासन है वो सदवृत्ति का शासन अंतर जगत में लाना है, उसको तो बहुत एकाग्रता से, बहुत एकाग्रता पूर्वक मानस का पाठ करना है, कथा का श्रवण करना है, जप करना है, व्रत करना है, संयम करना है, नियम करना है। लेकिन जिसमें है ही सद्बुद्धि का शासन, उसको परिवर्तन कुछ नहीं लाना, परिवर्तन ना हो जाए इसके लिए उनका अनुष्ठान है। तो वो तो बस राम राम जप ले, कृष्ण कृष्ण जप ले, पहुंचना है हमें अपने आत्मा राम के दर्शन तक। आत्मा राम तक हमें क्यों जाना पड़ रहा है, हम क्यों दूर हुए? कोई अपने आत्मा राम से दूर नहीं थे, आत्मा राम किसी से दूर नहीं था, लेकिन दूरी हो गई जब मनुष्य संसार में सुख की प्राप्ति के लिए अथवा दुखों की निवृत्ति के लिए अटपटा व्यवहार करते हैं, इससे हमारे आत्मा से, राम से हमारी दूरी हो जाती है। बहुत कम लोगों का ध्यान है इस बात पर, जब आप संसार के साथ कपट करते हैं, किसी दूसरे इंसान के साथ आप कपट करें, पर आपको ये लगता है कि किसी को पता नहीं है, लेकिन जब मनुष्य का अन्य मनुष्य के साथ गलत व्यवहार होता है, इसी से धीरे धीरे बुद्धि और आत्मा का अंतर होता है। जिस मनुष्य को आपने छला है उसको तो आज नहीं तो कल पता चलेगा, जिसको धोखा दिया है उसको धीरे धीरे पता चलेगा कि हम धोखा खाए, उसको पता चल जाएगा। संसार भगवान का रूप है, हमेशा दुनिया को कोई छल नहीं सकते, हमेशा दुनिया की आंखों में धूल नहीं डाल सकते, हमेशा दुनिया को धोखा नहीं दे सकते। संसार को तो धीरे धीरे पता लगेगा ही कि ये व्यक्ति गलत है, लेकिन तब तक आपके और आपकी आत्मा के बीच में गैप हो जाएगा, बुद्धि और आत्मा के बीच में गैप हुआ, उस गैप का नाम है जीव भाव। जब बुद्धि और आत्मा के बीच कोई गैप नहीं तो सीधे आत्मा राम का आनंद है, सीधे आत्मा का स्पर्श। जैसे दो कमरे के बीच में दीवार है तो पास वाले कमरे की लाइट इसमें नहीं आती, जब दीवार को अपने गिरा दिया तो वो उजियाला इधर है। इसलिए मनुष्य को अन्य मनुष्यों के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, इसलिए अन्य जीवों को धोखा नहीं देना चाहिए, इसलिए अन्य व्यक्तियों के साथ कपटपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसको पता चले न चले भगवान जाने, लेकिन बुद्धि और आत्मा के बीच में एक गैप बन जाए। जब दीवार बन जाती है तो आत्मा का प्रकाश बुद्धि को प्राप्त नहीं होता, और आत्मा के प्रकाश के अभाव में बुद्धि में लाइट नहीं है, बुद्धि में अंधेरा है। जब बुद्धि प्रकाशवान नहीं है,
बुद्धि प्रकाशित नहीं है, बुद्धि दीक्षित नहीं है, बुद्धि शिक्षित नहीं है, बुद्धि पवित्र नहीं है, तो फिर क्रिया तो वही होगी जैसे बुद्धि होगी। उल्टी बुद्धि से उल्टा काम, सिद्धि बुद्धि से सीधा काम, प्रकाशित बुद्धि से प्रकाशवान काम, और अंधकार में बुद्धि से अंधकार में काम। कहां से लाएंगे लाइट? लाइट आत्मा से ही लानी होती है, और इसके लिए हमें संसार के साथ व्यवहार, पहला अनुष्ठान यह है संसार के साथ व्यवहार शुभ। सीधे सीधे सतचंडी पाठ करने बैठ गए तो लाभ नहीं होगा। सीधे सीधे आप मानस का नवान पाठ करने बैठ गए तो इससे आपको फायदा नहीं होगा। लोक व्यवहार पहले सुधारना पड़ेगा, क्योंकि लोक व्यवहार बिगाड़ने से ही ये दीवार बनी है। बाहर की गलतियों का भीतर असर है ये, कि हमारी आत्माराम से हमारा अंतर हो गया, आत्माराम से हमारी दूरी हो गई, आत्मा की प्रकाश में जो प्राप्त हो रही थी उसमें एक पर्दा आ गया। लेकिन पर्दा भीतरी गलती से नहीं है, बाहरी गलती से। लोक व्यवहार गलत होगा तो बुद्धि और आत्मा के बीच में पर्दा लग जाएगा। इसलिए लोगों के लाभ के लिए अच्छा व्यवहार नहीं करना है, अपने लाभ के लिए अच्छा व्यवहार करना है। क्योंकि अच्छा व्यवहार करें लोगों के साथ, इससे लोगों का इतना लाभ नहीं है जितना हमारा अपना लाभ है। हमें अपने लिए लोक व्यवहार सुधारना है, लोगों के लिए लोक व्यवहार नहीं सुधारना है, हमें अपने लिए लोक व्यवहार सुधारना है। क्योंकि लोक व्यवहार का ही यह असर है कि बुद्धि और आत्मा के बीच कोई दीवार बन जाती है। आपको लगता है कि आपने रिश्तेदार को छला, पड़ोसियों को छला, अपने पार्टनरों को छला, अपने स्नेही जनों को छला, अपने माँ बाप को छला, अपने भाई को छला, लेकिन हकीकत यह है कि अपने आप को छला है और किसी को नहीं, आपने खुद को छला। क्योंकि जिसके साथ आपने छल किया है उसको तो भगवान शायद कई गुना दे देंगे। आपने उनका 100 रुपया धोखे से ले लिया है तो भगवान उसको 1,00,000 रुपया प्रसाद में दे देंगे, उसका तो भगवान भला करेंगे, लेकिन आपका क्या होगा? आपके आत्मा की प्रकाश से आप वंचित हो गए ना, उसका क्या? अटपटे व्यवहार के कारण ही हम अपने राम से दूर होते हैं। यदि स्वार्थ के कारण आपने लोक व्यवहार बिगाड़ा तो आपके राम के आगे स्वार्थ आ गया, तो आप स्वार्थी राम है। राम तो है ही, सब राम है। आप लोभवश गलत व्यवहार करते हैं दुनिया के साथ तो आप लोभ राम है। राम तो है ही। आपके क्रोधी स्वभाव के कारण आपने लोगों के साथ गलत व्यवहार किया है तो आप क्रोध राम है। राम तो सब है, लेकिन कोई लोभ राम है, कोई क्रोध राम है, कोई कपट राम है, कोई स्वार्थी राम है। हम सब शुद्ध विशुद्ध राम है, लेकिन आगे कुछ लग जाता है। जैसे परशुराम जी को शस्त्र प्रिय थे तो वो परशुराम हो गए, उसी प्रकार हम सब हैं। आगे कुछ लग जाता है, उस शुद्ध विशुद्ध राम के आगे। राम तो सब है। इसलिए स्वयं को दोषों से बचाने का प्रयास नहीं करोगे, अपनी सतवृत्ति को बलवत्तर बनाने के लिए अनुष्ठान नहीं करोगे, तो फिर तो एक राम नहीं, क्रोध राम, लोभ राम, सारे राम बन जाओगे कहीं, क्योंकि पूरी सेना आपके आगे आ जाएगी ना।
और जब आप क्रोध को लोभ को जीत नहीं सकोगे ना, तो फिर पुराणों से कोई ना कोई आधार ले लोगे। फिर लोग कहते हैं क्रोध तो दुर्वासा जी भी करते थे, क्रोध तो ऋषि मुनि भी करते हैं, क्रोध साधु संत भी करते हैं, क्रोध तो गुरुजन भी करते हैं। उनको क्रोध आता नहीं है, वो करते हैं, और हम लोगों को क्रोध आता है, बस ये फर्क है। जो क्रोध करते हैं उनका अधिकार है क्रोध करना। गुरुजनों का अधिकार है क्रोध करना, लेकिन जिनको बुखार की तरह आ जाता है उसकी बीमारी है, उसको इलाज करना चाहिए, क्योंकि वो करते कहाँ है, वो तो खुद ही आ जाता है। ऋषियों को महापुरुषों को गुरुजनों को अधिकार है, और वो अधिकार पूर्वक क्रोध करते हैं, और यही कारण है कि उनके क्रोधों से कभी किसी का नुकसान नहीं होता, जबकि हमारे क्रोध से अपना भी नुकसान होता है और सामने वाले का भी नुकसान होता है, क्योंकि हम अनधिकृत क्रोध कर रहे हैं, हमारा अधिकार नहीं है। अनधिकृत व्यक्ति के क्रोध से नुकसान होता है। जिस पर किया उसका भी होता है, और जिसने किया उसका तो बहुत होता है, बहुत होता है, क्योंकि वो अनधिकृत क्रोध है। गुरुजनों का अधिकार है, और अधिकार पूर्वक जो क्रोध करते हैं उसमें न करने वाले का नुकसान होता है, न जिस पर करें उसका नुकसान होता है, क्योंकि उनके क्रोध में कृपा होती है। भगवान शिव के लिए कहा, करालम महाकाल कालम कृपालम। करालम महाकाल कालम कह दिया, लेकिन साथ साथ गोस्वामी जी ने जोड़ दिया कृपालम। करालम महाकाल कालम कृपालम, जो कृपा पूर्वक क्रोध कर सकते हैं उन्हीं का अधिकार है क्रोध करें। जिनके क्रोध में द्वेष नहीं है उनका अधिकार है क्रोध करें। जो स्थिति को समझ सकते हैं उनका अधिकार है क्रोध करें। जिनको हमारी भूमिका साफ दिखती है उनका अधिकार है कि क्रोध करें, क्योंकि उनको हमारी भूमिका साफ दिखती है। जिनको भूमिका नहीं दिखती वो करे क्रोध, भारी अपराध कभी हो जाएगा आपसे। क्योंकि कल ही हमने समझा कि निराकार आकारों में ही प्रकट होते हैं, इसलिए हमारा आकारों के प्रति व्यवहार विशुद्ध होना चाहिए। मनुष्यों के प्रति, पशुओं के प्रति, प्रत्येक जीवों के प्रति हमारा व्यवहार इसलिए अच्छा होना चाहिए कि निराकार आकार में ही आता है, आकार में ही कई बार कुछ मिनटों के लिए ईश्वरीय शक्ति प्रकट होती है। वो आपके परिवार का कोई हो सकता है, वो आपकी पुत्र वधू भी हो सकती है, वो आपकी सास भी हो सकती है, वो आपका बेटा भी हो सकता है, वो आपके आसपास के किसी कोई भी जीव हो सकता है जो सामान्य है, लेकिन उसमें भी कभी मिनट दो मिनट के लिए राम प्रकट हो गया, ईश्वरीय ऊर्जा उसमें प्रकट है, और उसी मौके पर आपका तो उस पर द्वेष है, आपको तो वो बिल्कुल पसंद ही नहीं है, आपकी नफरत है उनसे, तो देखिए अपराध किसका होगा। कभी ऐसे मौके पर पुत्र वधू सास की बुराई करती है, मेरी सास ऐसी है वैसी है करती है, और उसी मौके पर यदि सास के भीतर राम शक्ति प्रकट हुई तो ये निंदा सांस की नहीं होगी, राम जी की हो जाएगी। क्या जाने
किसने बनाया? संतों को हम इसीलिए मानते हैं कि उसमें राम जी उनके विचार में प्रकट हो, ऐसा समय ज्यादा होता है। इसलिए हम मानते हैं संतों, लेकिन प्रकट तो कहीं भी होते हैं, कभी भी होते हैं भगवान, लेकिन होते तो आकार में ही है। जब आकार में भगवान प्रकट होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई नया आकार बनाकर आएंगे, आपके आसपास में जो आकार रहते हैं उसी में आएंगे, आसपास में आकार उसी में होंगे। इसलिए लोक व्यवहार विशुद्ध रखना चाहिए। क्योंकि भगवान से हमारी दूरी हुई और हमें इतना लंबा अनुष्ठान करते 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 भये प्रकट कृपाला तक पहुंचना है, हमारे आत्म स्वरूप का साक्षात्कार तक हमें इसीलिए जाना पड़ता है। बाहर गए तब न, दूर गए तब न। कैसे दूर हुए? लोक व्यवहार गलत करते, छोटे छोटे लाभों के लिए हमने लोगों को छला, लोगों को धोखा दिया। किसी को धोखा देने से, झूठ बोलने से, चोरी से, इससे आपको जो वस्तु मिली वो तो छुलक है, बिल्कुल बहुत सामान्य है, लेकिन जिसको छला वो आत्मा राम है। इसलिए मिला कुछ नहीं है, गया बहुत है, बहुत गवाया। दुनिया के आत्मा रामों के साथ अशुद्ध व्यवहार हमको अपने आत्मा राम से दूर कर दे, और फिर हमारी सद्वृत्ति को बढ़ाने में, सद्वृत्ति की वृद्धि करने में हमको बहुत साधना करनी पड़ती है। अपने ही प्रकाश को हम प्राप्त करें, ये हर संत चाहते हैं, हर गुरु चाहते हैं। कोई गुरु ये नहीं चाहेंगे कि आप उन्हीं के प्रकाश में साधना करो, हर गुरु ये चाहते हैं कि मेरे शिष्य का अपना प्रकाश हो और वो अपने प्रकाश में साधना करें। प्रत्येक गुरु अपनी अनुभूति को शिष्य की अनुभूति के रूप में देखना चाहते हैं कि जैसा भाव मेरे भीतर उठ रहा है वही मेरे शिष्यों के भीतर उठ रहा है, जो अनुभूति मेरी है वही अनुभूति मेरे भक्तों के भीतर होनी चाहिए। अपनी अनुभूति को अपने शिष्यों की अनुभूति के रूप में गुरु देखना चाहते हैं। और इसीलिए अपनी अनुभूतियों को किसी न किसी रूप में जगत के सामने बांटते हैं, और इसी का एक ये रूप है रामचरितमानस। गोस्वामी जी बताते हैं राम जी विद्याभ्यास के बाद भवन में आ गए, प्रातः काल उठ के रघुनाथा अंतिम क्षण को आप इससे दिव्य बना सकते हैं, धन्य बना सकते हैं, मृत्यु को महोत्सव बना सकते हैं, इससे नुकसान कुछ नहीं है। लेकिन युवान अवस्था में और पढ़े लिखे लोग जब वर्ष में एकाध कथा का श्रवण करें तो उनकी ऊर्जा से देश का बड़े से बड़ा कार्य सिद्ध हो जाता है। समाज में परिवर्तन दिखता है उनके सुनने से,
परिवर्तन नजर आ। और कोई व्यक्ति, दुनिया का कोई युवान भाई बहन इतने तो व्यस्त नहीं है कि वो वर्ष में एक बार एक कथा का श्रवण में कर सके। इतनी तो उसकी पढ़ाई भी नहीं है, उतना तो उसका कोई काम भी नहीं है, उतने वो व्यस्त भी नहीं है कि वर्ष में एक सत्संग श्रवण न कर सके। और कोई श्रोता नहीं मिला तो माँ को श्रोता बना दिया कौशल्या को। कही कथा सुहाई माँ तो बुझाई। तो उसी समय की बीमारी है, मतलब राम जी को कथा सुनाने। यही क्रम है कि हमारा जीवन व्यवहार कुछ ऐसा बने कि इस देश के विश्वामित्र, इस देश के तपस्वी ऋषि मुनि, विश्व मंगल के कार्य में हमारी नियुक्ति करें। अब विश्वामित्र जी का पधारना कितना महत्वपूर्ण है। कब विश्वामित्र जी गए राम को लेने? जब राम जी की पढ़ाई हो गई है, जब राम जी वेद पुराणों को समझ चुके हैं, गुरु के सानिध्य में रहने का अभ्यास गुरुकुल में राम जी कर चुके हैं, माता पिता की आज्ञा का राम पालन करते हैं, और जब राम जी के व्यवहार से, राम के शील से, राम की मर्यादा से राम जी का पूरा परिवार संतुष्ट है, तब विश्वामित्र जी कहे। क्योंकि जिस व्यक्ति के व्यवहार से माता पिता संतुष्ट हो, जिसके व्यवहार से किसी को किसी प्रकार का ताप न हो, जिसका व्यक्तित्व चुभने वाला ना हो, बिल्कुल जब राम का व्यक्तित्व चुभने वाला नहीं, व्यवहार से घर के बड़े बुजुर्ग प्रसन्न हो, ऐसे मर्यादा संपन्न राम, ऐसे विनम्र राम, ऐसे पढ़े लिखे राम, ऐसे शीलवान राम, जिनकी प्रशंसा जंगलों तक पहुंची, तब विश्वामित्र जी अयोध्या जाने का विचार करते हैं। राम जी के शील की सराहना इतनी हुई, इतनी कि राम जी के शील और पवित्र व्यवहार की चर्चा भारत वर्ष के आश्रमों में पहुंची। घरों में तो थी, लेकिन साधु संत तक पहुंची, ऋषि तक पहुंची। और ये इसी का परिणाम विश्वामित्र जग जप जो जगले